Hello everybody, very good afternoon bachcho, most welcome to Class Apart, your very own favorite channel. और आज हम करने वाले हैं आप लोगों की CBSE Class 7th का एक और ग्रामर टॉपिक विच इज़ टेंस फॉर्म्स. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में. सो वेल बच्चों, वेल लेट्स गो अहेड. सो बिफोर गोइंग अहेड, you all can win your new school exams with an academy key subscription, and don't forget to buy your subscription using my code SOS10. Then as bachcho, here it is. This is my name, Sonam Sood, and I'm your English educator. Most welcome to your English educator session. My name is Sonam Sood, and I'm here to teach you all class 7th key English. तनिस बच्चों, अनअकैडमी क्लास 6 का टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लें. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो वेल गाइज, ये ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको घर बैठे बैठे सभी सेशंस के लेटेस्ट सेशंस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी सेशन कब है, एंड यू डोंट एंड अप मिसिंग एनी सेशन. देन इज बग्स बाउंटी. किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अनअकैडमी आस्क अ डाउट. घर बैठे बैठे अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का आपको मौका मिलेगा और जवाब में मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी. और जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो बहुत इंस्टेंट होंगे, बहुत ही एक्यूरेट होंगे. वेल यप, हाउ डू यूज आस्क अ डाउट? गो टू द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट. फिर आप लोग अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करें, उसके बाद में उसको क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद में सब्जेक्ट मैच करें और फिर अपना क्वेश्चन भेज दें. विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. Then here it is guys, tense forms. Let's go ahead. Tense, बहुत ही interesting topic है, बहुत ही important topic है और बहुत ही डर भी लगता है बच्चों को tense पढ़ने से, but आज हम इस डर को ख़त्म करने वाले हैं. Let's go ahead. तो चलिए, ये sentences जो यहाँ पर हैं इनको थोड़े ध्यान से पढ़िए. Birds fly in the air. My brother flew to England last week. I shall fly a kite on Sunday. In the first sentence, the verb fly refers to the action in present. बिल्कुल सही. फर्स्ट सेंटेंस से आपको ये पता चलता है कि ये जो एक्शन है ये अभी हुआ है प्रेजेंट में. फिर माय ब्रदर फ्लू अ काइट टू इंग्लैंड लास्ट वीक, तो ये आपको पता चला कि ये पास्ट में हुआ है. और फिर आई शैल फ्लाई अ काइट ऑन संडे, तो ये आपको पता चले कि ये कहीं फ्यूचर में होगा, यानी कि आपको जो भी काम हो रहा है उसके टाइम का पता चल रहा है, राइट? सो बेसिकली और कुछ नहीं है, जो टेंस है उसका, उससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी काम जो हुआ है वो कब हुआ है. द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको बता दिया है किसी भी वर्ब, बेसिकली आपको टेंस कोई अलग से वर्ड नहीं होता है, टेंस सिर्फ आपकी वर्ब के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. तो उससे सिर्फ आपको ये पता चलता है कि कोई जो काम हुआ है वो कब हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई, फ्लू, शैल फ्लाई, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये काम कब हुआ है, राइट? तो आपके वर्ब को ही हल्का सा ट्वीक करके आपको उसकी टाइम का पता चल सकता है. तो इसी तरीके से बच्चों, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बिल्कुल सही, अभी प्रेजेंट इज जो अभी हो रहा है, पास्ट यानी कि जो पहले हुआ है, फ्यूचर यानी कि जो आगे होने वाला है. सो यप, लेट्स गो अहेड. चलिए, इन ऑर्डर टू शो एट व्हाट स्टेज एन एक्शन इज, ईच ऑफ दीज थ्री टेंसेज हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. तो अब ये तो आपको पता चल गया कि किस टाइम पर हो रहा है टेंस, यानी कि अभी हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है. लेकिन अभी तो हो रहा है, लेकिन वो किस स्टेज पे है? क्या वो ख़त्म हो चुका है? क्या वो भी चल रहा है? क्या वो चलता आ रहा है बहुत टाइम से? तो ये चीज़ें आपको पता करने के लिए, यानी कि और भी डिटेल पता करने के लिए, आपको जो हर एक फॉर्म ऑफ टेंस है उसको डिवाइड किया गया है इंटू फोर बेसिक फॉर्म्स. सो वन इज़ योर इनडेफिनिट और सिंपल, उसको कहते हैं कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव. देन इज़ योर परफेक्ट, एंड इज़ योर परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, सो विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. तो अगर आप इनडेफिनिट प्रेजेंट में देखें तो वो होगा आई प्ले, पास्ट देखें आई प्लेड, फ्यूचर आई शैल प्ले. तो ये हो गया आपका बच्चों सिंपल पास्ट या इनडेफिनिट पास्ट या इनडेफिनिट प्रेजेंट या इनडेफिनिट फ्यूचर. फिर हो गया बच्चों आपका कंटिन्यूस, यानी कि ऐसा टेंस जिसका काम कंटिन्यू होता जा रहा है. तो वहाँ पे आपका आई एन जी फॉर्म लगा है, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग. देन इज योर परफेक्ट, आई हैव प्लेड. परफेक्ट में अगर आपका प्रेजेंट में होगा तो हैव, पास्ट में होगा तो हैड, फ्यूचर में होगा तो शैल हैव.
ठीक है, फिर होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे है हैव बीन प्लेइंग यानी कि प्रेजेंट में, had been playing यानी कि past में, shall have been playing is your future. तो don't worry, ये तो अभी बहुत ही हमने आपको छोटा सा एक इसके बारे में बताया है, अभी हम इसके बारे में डिटेल जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है जी. चलिए let's first study about simple present tense और present indefinite tense. चलिए simple present tense is used to express a habitual action, a general truth, what is happening, an order, a request, a habitual work. देखिए सो क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ तक था एक्चुअली हमें मुझे स्पेस दे देना चाहिएगा. सो कोई ऐसा एक्शन जो होता ही होता है, ठीक है. फिर एक जनरल ट्रूथ, फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट्स जनरल ट्रूथ. व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, एन ऑर्डर रिक्वेस्ट. चलिए देखते हैं, हैबिचुअल एक्शन, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है. तो कोई ऐसा काम है जो मैं रोज़ करता हूँ या करती हूँ. ही कम्स टू स्कूल एट 8 o'clock, तो अगेन ये एक ऐसा काम है जो होता ही होता है, राइट. देन इज जनरल ट्रूथ, लाइक आई टोल्ड यू सन राइजेज इन द ईस्ट, तो उसके लिए भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, ठीक है. देन व्हाट इज हैपनिंग, तो व्हाट इज हैपनिंग, अब ये हियर कम्स द चीफ गेस्ट, तो यानी कि कोई ऐसा काम है जो अभी हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको हमेशा कंटिन्यूस में ही प्रेजेंट करना है, आप उसको सिंपल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द चीफ गेस्ट और हियर कम्स my friend, so that's how you are using simple present tense to do, to express something jo abhi ho raha hai. So here I am to teach you all, right. An order, request, obey your teachers, to ek order ya fir aap request karne ke liye bhi aap simple present tense ko use karte hain, to bahut hi simple form hai, nothing much, I think very very easy. Itna yaad rakhe ki isko present indefinite bhi kaha jata hai. Chaliye ab hum padhte hain present continuous. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हो गया इज एम या आर, वो प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म. तो इज एम आर को हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट, इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वी एड प्रेजेंट पार्टिसिपल टू इज एम और आर, ठीक है. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है जी. सो इज जो है आप यूज़ करोगे ही शी, ठीक है, ही इज़ गोइंग आउट, शी इज़ कमिंग इन, इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, तो ये हो गया आपका यू नो ही शी इट के साथ में. फिर थर्ड पर्सन नाउन एम के साथ भी यूज़ होता है, एंड वेल ओके, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, अगर आप ये एग्जाम्पल देखें, ठीक है. तो यहाँ पर आपका हो गया वैसा काम जो अभी हो रहा है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस टेंस. फिर एन इंटरोगेटिव फॉर्म, तो इंटरोगेटिव मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आर यू गोइंग होम, तो क्या आप घर जा रहे हो, तो अगेन इंटरोगेटिव आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप घर जा रहे हो. देन इन नेगेटिव फॉर्म, तो अगर आपको नेगेटिव में पूछना है व्हाई इज शी नॉट वीपिंग और व्हाई इज शी नॉट स्लीपिंग, तो आप नेगेटिव फॉर्म में भी पूछ रहे हो, अगेन आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हो लेकिन आप एक नेगेटिव फॉर्म में पूछ रहे हो, तो वहाँ पर भी आप एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो अगेन देखिए बच्चों, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, पर इतना याद रखो कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू होता आ रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. चलिए फिर हो गया लाइक आई टोल्ड यू टू किस कहाँ यूज कर, डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई ऐसा काम जो चलता जा रहा है, द गर्ल्स आर सिंगिंग द कोरस, टू डिस्क्राइब एन एक्शन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो आप कोई ऐसा काम बता तो रहे हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आप हो रहे हो, जब आप उसको बोल रहे हो तभी ही हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, India is exporting onions to the Middle East. So, what are you writing these days? So, what are you writing these days doesn't mean कि आप अभी कुछ लिख रहे हो, but आप ऐसे काम के बारे में पूछ रहे हो जो action progress में है, but ज़रूरी नहीं है कि वो उसी time पर हो रहा है, right? So, what are you writing these days? What are you doing these days? So, it's like that. यहाँ पर भी आप एक continuous form को use कर सकते हो. Okay. अब आगे बच्चों आपकी present perfect form. तो परफेक्ट में हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ वन अ प्राइज, ठीक है. यू हैव इंसल्टेड मी, आई हैव टेकन द डोज ऑफ मेडिसिन, ठीक है. और इंटरोगेटिव फॉर्म में यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म में, हैव दे क्रॉस्ड द रिवर,
वेयर हैव यू सीन माई ब्रदर. सो ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकते हो आप, या फिर आप सिंपल याद रखें बच्चों, जब आपका परफेक्ट फॉर्म है तो वहाँ पर आपका हैज हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. ठीक है, सो देखिए अब एक नेगेटिव फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करके चलना है. ठीक है, अब यूजेस देखें. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर. तो चाहे वो एक्शन कंप्लीट हो गया है लेकिन आप उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस ही बोल सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, देन टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन. व्हाट? ओके, द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, कूल. टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स. तो आप देख रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस को भी आप प्रेजेंट टेंस यूज करके कैसे बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर. ठीक है, सो और आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स. टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, ही हैज वर्कड इन द स्कूल फॉर 5 years. ठीक है, और तो यहाँ पे ही हैज़ वर्कड इन द स्कूल 5 years मतलब नॉट नेसेसरली कि ये काम खत्म ही हो गया, हो सकता है वो भी काम कर रहा हो. राइट, देन आगे बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका क्या यूज होता है? यू हैव सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन प्लस आईएनजी. तो इसमें हैज हैव और आईएनजी फॉर्म दोनों यूज होते हैं, तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें, ओके, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours. तो कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है. ओके, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर. तो यहाँ पर भी टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस व्हिच बिगिंस विद फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, और सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस. तो अगेन एक टाइम लाइन को प्रेजेंट करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, सो दिस वॉज ऑल अबाउट, नो वी स्टिल हैव सम मोर. So this tense is also used to express an action which began in the past and has been just completed. For example, I have been studying since morning and I am much tired now. तो एक ऐसा काम जो past में शुरू हुआ था और अभी ही खत्म हुआ है. I have been studying since morning and I am much tired now. ठीक है, चलो तो इतना याद रखो बच्चों, since जो है वो use करते हैं for a point of time. And for is used for a period of time. So I worked there for 5 years. And I have been working there since November 2019. तो इस तरीके से आप इसको फॉर और सिंस को यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, चलो दिस इज योर प्रेजेंट टेंस फिनिश्ड. नाउ इज योर पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस को आप कैसे यूज करते हैं? देखिए अगेन वेरी सिंपल, आपका पास्ट एक्शंस को बताने के लिए यूज होता है. तो इसमें होता है आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में. ठीक है, तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस, लाइक आई टोल्ड यू, कोई भी सिंपल टेंस जो होगा ना, सिंपल फॉर्म ऑफ एनी टेंस इज द इजीएस्ट. ही केम हियर यस्टरडे, वेरी सिंपल. अभी इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. डिड यू नो, डिड यू शो मी योर होमवर्क. सो अगेन यहाँ पे आप डिड यूज करके इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को पास्ट टेंस आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, देन इज नेगेटिव. हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में जब भी आप किसी टेंस को यूज करते हैं तो आप उसकी नेगेटिव फॉर्मेट को भी यूज करते हैं. डिड यू नॉट पुट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड फर्स्ट. ओके, यहाँ पे आप देखें, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव. तो यहाँ पर पास्ट में ही हो गया है, डिड के साथ में अप्लाई, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव. ठीक है, तो बच्चों याद रखो, डिड जब यूज होता है ना तो उसका मतलब ऑलरेडी पास्ट हो जाता है. तो उसके साथ में आपको जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज करने की जरूरत नहीं होती, आप नॉर्मल वर्ब को इतनी मेन फॉर्म में यूज कर सकते. ठीक है, चलो फिर उसके बाद में टू ले एम्फोसिस. अगर आपको किसी काम में बताना है कि भाई मैंने बहुत ट्राई किया था ये काम करने का, तो किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए भी आप पास्ट टेंस को यूज कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस. कैसे? आई डिड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट. सो ये आपका अगेन सिंपल पास्ट टेंस है. डिड भी आप सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं. चलिए आप इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, लाइक आई सॉ मेनी बर्ड्स इन द ज़ू, वेरी सिंपल. और गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, कोई ऐसा काम जो हमेशा
सच था पास्ट में, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं. माय फादर केम बैक होम यस्टरडे अगेन, देन वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स. सो बट ये काम पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे रहे हैं 10 साल के लिए. ठीक है. आई स्टेड एट द ग्रीन होटल फॉर 2 मंथ्स अगेन पास्ट में, यू नॉट डूइंग इट राइट नाउ. तो आई पास SSC एग्जाम्स लास्ट ईयर. सो सिंपल आपकी पास्ट की सिचुएशंस. अब आ गई बच्चों आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आप इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले ऑफकोर्स बच्चों कंटिन्यूस टेंस जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पे ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगता ही लगता है. ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस टेंस को आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? देखिए, द ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड. ठीक है, सो ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, तो ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंस है. फिर आपका नेगेटिव फॉर्म, यहाँ पे शी वॉज नॉट वीपिंग, या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में वर द शीप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो आप अगर आप ऑब्जर्व करें ये पास्ट में किसी ऐसे काम की बात हो रही है जो कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज वाई इट इज़ योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, अब आप इसको यूज़ कहाँ करेंगे? देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस. तो जब आप बता रहे हो क्या ये काम तब हो रहा था, सो द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस. फिर उसके बाद माई मदर वॉज कुकिंग द फूड वेन आई रीच्ड होम. तो यहाँ पर अगेन आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है. सो माई मदर वॉज कुकिंग द फूड वेन आई रीच्ड होम. तो एक काम हो रहा था और उसके साथ में एक दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो आपकी मामा काम कर रही थी जब आप घर पहुँचे, तभी आप पास्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं. अब आ गया बच्चों आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ जैसे आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव यूज करते थे, यहाँ पे आप हैड यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए, आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे. सो देखिए, एक चीज़ ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बार यहाँ पास्ट परफेक्ट में ना गलतियाँ करते हैं. वी ऑफन मेक मिस्टेक्स आर यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस. वी यूज हैड, हम कहीं भी जब मूड आता है तो हैड उठा के यूज कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट राइट. देखिए, आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, इट्स नॉट नीडेड, यू डोंट नीड हैड हियर. ये सिंपल पास्ट टेंस में हो सकता है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गई थी. सिंपल. अब आपको बेसिकली पास्ट परफेक्ट को यूज कहाँ करना है? सो आप इसको तब यूज करेंगे बच्चों व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट गॉट कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस. तो इससे पहले कि दूसरा एक्शन होता, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तब आप इस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, When he came to me, I had posted the letter. तो एक ऐसा काम जो कि आप पास्ट में ख़त्म कर चुके हैं जब आपका दूसरा काम स्टार्ट हुआ तब. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट. इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड. तो कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में शायद हुआ होता तो अच्छा होता, बट हुआ नहीं, तो वहाँ पर भी आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई विश आई हैड वॉन द इलेक्शंस. अगेन देखिए, यहाँ पे हैड यूज होता ही होता है. ओके, टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट दैट हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम. बाय आफ्टरनून ही हैड कंप्लीटेड मच वर्क. तो कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में एक टाइम पर आकर खत्म हो चुका था, और जब आप वो टाइमलाइन बताना चाहते हैं तो आप पास्ट यूज करेंगे. ठीक है, आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड. आफ्टर ही हैड सेल्ड मेनी डेज द मरीनर reached the coast. ठीक है, so again, so यहाँ पे आप बच्चों कब यूज करते हैं? जो कोई काम आप जब उसको दिखा रहे हैं कि वो पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ख़त्म हो चुका है, या फिर उसके साथ में दूसरा काम स्टार्ट हो चुका है, दैट इज वेन यू आर यूजिंग योर पास्ट परफेक्ट टेंस. यू डोंट अननेसेसरली यूज इट. ठीक है, ओके. अब आ गया बच्चों आपका फ्यूचर टेंस. एक ही टेंस रह चुका था, विच वॉज योर फ्यूचर टेंस. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. तो फ्यूचर टेंस जो है बच्चों, अगेन कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आप यूज़ करते हैं. तो इसमें आप यूज़ क्या करेंगे? शैल, विल, और फिर उसके बाद आप यूज़ करेंगे वर्ब. ठीक है, ओके. तो अब आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इन नेगेटिव सेंटेंसेज, नॉट आफ्टर. ओके, We shall not see the picture today. Negative sentence में आप use कर सकते हो. Okay, interrogative sentence में भी आप इसको use कर सकते हो. Will you go to the college today?
सिंपल, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा शैल ही यूज़ करने, यू कैन ऑल्सो यूज विल, विल यू गो टू द कॉलेज टुडे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके अब आ गया बच्चों आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो याद रखें जो आपका सिंपल टेंस है ना, दैट इज़ द सिंपलेस्ट, तो शैल या विल उसके साथ में आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गया आपका सिंपल टेंस। फिर हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगेन टेक्स प्लेस एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम इन फ्यूचर। वी शैल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच ऑन संडे, ठीक है। द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी कमिंग आउट शॉर्टली। I will reach Calcutta. When I reach Calcutta, it will be raining heavily there. Will you be taking part in the debate? तो अगेन बच्चों ये अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे आई एन जी फॉर्म लगा ही लगा है, ठीक है। तो विल या शैल के साथ में आई एन जी फॉर्म द वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो हो सके तो वहाँ पे बी भी डेफिनेटली यूज होता है। विल यू बी टेकिंग पार्ट, इट शैल बी रेनिंग, आई शैल बी कमिंग, तो बी यूज होगा ही होगा अगर आप फ्यूचर में यूज कर रहे हैं तो। द फार्मर्स विल नॉट बी वॉटरिंग द प्लांट दिस टाइम, ठीक है। सो कंटिन्यूस में याद रखें विल शैल बी और वर्ब का आई एन जी फॉर्म। चलिए अब हो गया बच्चों आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे। तो कोई ऐसा काम फ्यूचर परफेक्ट आप बेसिकली कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एन एक्शन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। शी विल हैव कवर्ड हाफ हर जर्नी बाय नेक्स्ट मंडे एक्चुअली, राइट। सो कोई ऐसा काम जो कि आप उम्मीद कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम तक खत्म हो जाएगा, वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। या फिर टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस, यहाँ पे You will have discussed the plan how to celebrate the function, said my mother. तो अगेन अगर आप ऑब्जर्व करें आप उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में काम हो चुका होगा, दैट इज व्हेन यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट। इन टू ईयर्स आई शैल हैव टेकन माई डिग्री और इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स आई शैल हैव मेड माई होम। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर काम इन द कमिंग फ्यूचर कुछ टाइम में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, दैट इज व्हेन यू आर यूजिंग योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। याद रखें शैल विल हैव इसमें आता ही आता है, ठीक है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके बच्चों मुझे ये बात पता है कि टेंस के बारे में खाली की डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं है, आई नो दैट। मतलब टेंस में आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ, मैंने आपको तो बेसिक इंट्रो दी है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदें। बाय योर सब्सक्रिप्शन मैं आपको बता देती हूँ अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में है घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। और इसका प्राइस क्या है बच्चों, सो 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड SOS10। देन बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, यू हैव ए पर्सनल मेंटोर, लाइव सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ठीक है, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। देन अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या क्या है, 2 साल 48,000, 18 मंथ्स 35,000, 15 मंथ्स 32,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। देन बच्चों डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।